आज हम आपको लगा कर दिखाने वाले हैं मिनी डीजे का न्यू सेटअप। इसमें हम 3 बेस लगाने वाले हैं। ये हमारे पास सब में अच्छी क्वालिटी की बेस हैं और इसमें 3 इंची का सबवूफर लगा हुआ है जो कि सोनी कंपनी का है। हम इसमें 6 लाइनर लगाने वाले हैं। हम इसमें एक बेड भी लगाने वाले हैं। इसका वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। और हम एक एम्पलीफायर का यूज करने वाले हैं। चलिए इनके हम कनेक्शन कर लेते हैं। 3 बेस को हम इसके बेस वाले सेक्शन में जोड़ने वाले हैं और जो लाइनर हैं 6 लाइनर को हम 3-3 लाइनर को लेफ्ट लाइन में जोड़ने वाले हैं। चलिए हम कनेक्शन करते हैं। ये पावर केबल है जिससे हम एम्पलीफायर को पावर देने वाले हैं। ये हम बैटरी में लगाएंगे। देखिए यहाँ पर हमारा फैन ऑन हो चुका है और लाइट भी आपको ब्लिंक होती दिख रही होगी। देखिए हम बेस का कनेक्शन करने वाले हैं। और ये हमने बेस का कनेक्शन कर दिया है। अब हम लाइनर का कनेक्शन करने वाले हैं। ये हम कनेक्टर लेने वाले हैं 3 वाला। ये देखिए हमने 3 लाइनर को हमें एक चैनल से जोड़ देना है और बाकी के 3 को भी हम दूसरे चैनल से जोड़ने वाले हैं। ये देखिए हमारे कनेक्शन पूरे हो चुके हैं। और हम कनेक्ट करके अब आपको सॉन्ग प्ले करके दिखाने वाले हैं। अभी हमने आपको इसका पूरा सेटअप लगा के दिखाया और पूरा कनेक्शन करके दिखाया है। अब हम आपको इसकी टेस्टिंग करके दिखाने वाले हैं। इससे पहले हम आपको बता देते हैं कि हम जो हमारी 3 बेस होने वाली हैं उसमें जो सबवूफर लगा हुआ है वो 35 वाट का एक होने वाला है और जो हमारी 6 लाइनर हैं उसमें एक लाइनर हमारा 10 वाट का होने वाला है। और हम इसमें मशीन का 200 वाट की मशीन का यूज करने वाले हैं और एक बैटरी का यूज करने वाले हैं जो कि हमारी 8 एम्पियर 12 वोल्ट की है। चलिए अब हम आपको इसकी टेस्टिंग करके दिखाने वाले हैं। High frequency.